शीत सत्र खत्म हो गया, लेकिन शीत सत्र के दौरान शुरू हुआ बखेड़ा अब सड़कों पर भी देखा जा रहा है। आज देश भर में इंटी अलायंस के नेताओं ने विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन किया, केंद्र पर जमकर निशाना साधा। झारखंड में भी इंटी अलायंस के नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। निलंबन पर विपक्ष का रण, इंडिया गठबंधन का देश भर में प्रदर्शन। शीत सत्र खत्म होते ही संसद में 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन का मुद्दा सड़क पर भी नजर आया। देश भर में इंडिया गठबंधन के नेता केंद्र सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे। दिल्ली में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के नेताओं का जमावड़ा लगा, जहां राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पार्लियामेंट हाउस में दो तीन युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा, अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। रांची में भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सांसदों के निलंबन के खिलाफ विरोध मार्च निकाला, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, तो सांसदों पर की गई कार्रवाई को लोकतंत्र पर हमला बताया। जिस तरह से लगातार एक प्रयास किया जा रहा है हमारे सांसदों की आवाज को दबाने का, और जो 1933 में जर्मनी में हुआ था, हिटलर ने सदन पर हमला होने के बाद उसके दूसरे दिन से इस तरह की हरकत शुरू कर दी थी, आज इतिहास दोहराया जा रहा है। हिंदुस्तान में भी यही पद्धति अपनाई जा रही है कि पूरा देश देखता है कि तुरंत एक सरकार का एक महीना भी नहीं बीतेगा और उसको बर्खास्त किया जाएगा। ये आहट हम लोग को शुरू से थी और ये आहट अभी भी बनी हुई है। रोज का रोज आप देखिए किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, केजरीवाल को बुला रहे हैं, हेमंत सोरेन को बुला रहे हैं। अब एक बात बोलिए, पहले भी तो संसद में निलंबन होता था, सभी विधानसभाओं में एक दो सदस्य का निलंबन होता है। ये कोई नेशनल इंटरेस्ट की बात नहीं है, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी का बॉडी लैंग्वेज खराब होता है, कोई हदों को पार कर जाता तो होता है। लेकिन संसद में जो महानिलंबन हुआ है, संसदीय इतिहास को देखें, इतना बड़ा निलंबन की कार्रवाई सदन, दोनों सदन में आज तक नहीं हुई। जिस तरह से सदन में लोकतंत्र की को आवाज को दबाया जा रहा है, उसका गला घोंटा जा रहा है, जो हमारे सांसद जीत के जाते हैं सदन में, उनका काम है कि जनता की आवाज को सदन में उठाना। आप उस संसद को आप निलंबित कर देंगे, एक बार 145-147 सांसदों को निलंबित कर देना, जनता की आवाज को दबा देना, किस तरह की लोकतंत्र है, कैसे हमारी केंद्र की सरकार है। रांची के अलावा बोकारो, देवघर, पाकुड़, जामताड़, दुमका और लोहरदगा समेत कई जिलों में भी केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया और सांसदों के निलंबन को गलत बताया। सांसदों के निलंबन पर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन पर बीजेपी ने कटाक्ष किया। बिना तर्क के बात, बिना इंडिविजुअल बात टीका टिप्पणी जो हो रही है वो गलत है। और मुझे लगता है जब इंडिविजुअल टीका टिप्पणी होती है तो जनहित का मुद्दा उसमें सेक्रीफाइस कर जाता है, और जनहित के मुद्दे को लेकर अगर आप प्रोटेस्ट करते तो समझ में भी आता है, लेकिन आपका मुद्दा ही ऐसा है जिसमें लोग कहते हैं कि बिलो द बेल्ट मारना, वो हो रहा है, वो गलत है। एक तरफ सांसदों का निलंबन है तो दूसरी तरफ राज्यसभा के सभापति के अपमान का मुद्दा है। बहरहाल मुद्दा गर्म है क्योंकि आगे मिशन 2024 है। कामरान जलीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।